हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एम खान क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड के कक्षा 8 का अभ्यास पहला का डी, जिसमें प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है हल कीजिए। इसमें पहला है इसमें कि -9/8 गुणे -32/3, तो यहाँ पर लिखेंगे -9/8 गुणे -32/3। तो ये देखेंगे कि 8 से 32 चार बार में कट जा रहा है, 3 से 9 तीन बार में कट जा रहा है, तो यहाँ बचा -3 और गुणते यहाँ -4। तो 4 में 3 का गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये पहला हो गया। फिर दूसरा है -32/7/36, ये भी माइनस है, तो 8 से ये भी कट जाएगा और यहाँ पर तो हम दोनों को कटा देंगे 4 से, तो 4 × 8 = 32 और 4 × 9 = 36, तो हो जाएगा यहाँ पर -8/-7/9, तो 8 × 7 हो जाएगा यहाँ पर 56 / 9, दोनों प्लस में हो जाएगा, यही हमारा उत्तर है। अब हम लोग पहला का तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरा वाला है कि -36/5 गुणते -20/-3, तो यहाँ पर 5 से 4 बार में 20 कट जाएगा और 3 से 36, तो 3 × 3 3 × 6 यानी कि 12 बार में, तो लिखेंगे -12 गुणते ये वाला -4 हो जाएगा, तो 12 × 4 = 48 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर ये चौथा है 13/15 गुणते -25/26, तो हम देख रहे हैं कि 13 से 26 दो बार में कट जाएगा और 15 से 25 नहीं कटेगा, तो इसलिए 5 से दोनों को कट रहा है, तो दोनों 5 से कट रहा है, 5 × 3 = 15 और 5 × 5 = 25, तो यहाँ पर बचेगा ऊपर -5 बचेगा, नीचे 3 और 2, तो इधर लिखेंगे 3 × 2 यानी कि आ जाएगा -5/3 × 6, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न है गुणा कीजिए। तो लिखा है पहला वाला 7/6 को -24 से, तो लिखेंगे 7/6 को जहाँ लिखा है वहाँ पर गुणा कर दे देंगे और -24, तो 6 से 24 चार बार में कट जाएगा, तो लिखेंगे 7 × -4, 7 × 4 कितना हो जाएगा 28, यहाँ पर -28 यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर -9/8 को लिखा जहाँ वहाँ पर गुणा लिख देंगे -16/-3, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ से अब देखिए 3 से 9 तीन बार में कट जाएगा, 8 से 16 दो बार में कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बस ये वाला माइनस बचा हुआ है, तो लिखेंगे -3/2, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस में ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न का दो सवाल हो गया, अब तीसरा चौथा हल करते हैं। दूसरा का तीसरा है 16/-21 को, तो को की जगह गुणा लिख देंगे -14/5 कर देंगे, तो देख रहे यहाँ पर 7 से 2 बार में ये कट रहा है, 7 से 3 बार में ये कट रहा है, ऊपर का 5 से 16 नहीं कटेगा, तो जो नहीं कटेगा वैसे लिख देंगे, तो लिखेंगे 16 × -2 नीचे -3 और गुणते यहाँ पर 5। तो अब दोस्तों यहाँ पर 16 में 2 का गुणा कर देंगे, तो 16 × 2 हो जाएगा 32, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, ये वाला माइनस कट के ख़त्म हो जाएगा, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब तीसरा ये देखते हैं चौथा, -13/5 को की जगह पर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा 11/39, 13 से 39 तीन बार में कटेगा, 5 से 11 नहीं कटेगा, तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे 11/5 × 3, तो
11 और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों पहला का डी समाप्त हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पहला का ई भी। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।